नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी TRE 1 से लेकर TRE 2 और तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया, जिसको लेकर जो परीक्षाएं थी वो परीक्षा आयोजित हो गई और कई चीज़ें सामने आ रही है कि OMR जो है उसके स्कैनिंग होगी 25 जुलाई से होने वाली थी, आगे क्या हुआ। अब जो मामला है उसको लेकर आपको TRE 1 में जो कोर्ट केस की याचिका थी और जिसकी सुनवाई हुई, लगातार सुनवाई हुई, मैं बात कर रहा हूँ TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और रिजल्ट में जो CWJC 1151 जो केस है उस केस में जो ऑर्डर पास हुआ है उसके तहत रिजल्ट का प्रकाशन जो है वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि शिक्षा विभाग और BPSC पूरी तरीके से सीट जो खाली बची है उसको भरने की कवायद शुरू करे। और कोर्ट के बाद आदेश के बाद लगभग 2 सप्ताह बीत गए हैं, परंतु अभी तक कोई विशेष इसमें जो है जल्दबाजी शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। अभी TRE 1 में जो ऑर्डर पास हुए हैं उसमें पहले जो ऑर्डर है जो है कि 1 से 4 नंबर वाले जो जो सीटें खाली रख दी गई है प्राइमरी में 1 to 5 में उसको भर दी जाए। उसके बाद DOB से जो छटे हैं, डेट ऑफ बर्थ से कई कैंडिडेट छटे हैं जिनके कारण उनका रिजल्ट नहीं आया, और लगातार आपको याद होगा साथियों कि प्रोटेस्ट भी हुआ BPSC के पास, शिक्षा विभाग और कई नेता सत्ता पक्षों या विपक्षों सबके पास शिक्षक डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करने जाते थे, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सरकार की तरफ से। तब याचिका दायर की गई कोर्ट में, कोर्ट की याचिका के बाद कोई विशेष सुनवाई नहीं हुई है। तो आगे क्या होगा, क्या ऑर्डर पर सुनी जाएगी या शिक्षा विभाग या BPSC, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा और जल्द से जल्द, क्योंकि जो ऑर्डर थे वो TRE 3 के परीक्षा के पहले रिजल्ट के निकालने के थे, परंतु अभी तक उस पर कोई विशेष रुख नहीं हुआ है। हाँ, फाइल जो है ऑर्डर कॉपी वो शिक्षा विभाग BPSC को भेजी गई है। अब BPSC शिक्षा विभाग इस पर किस प्रकार से काम करती हुई देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि उम्र संबंध में जो कोर्ट के ऑर्डर आए थे, जो 8 जो पिटिशनर थे उनको ऑर्डर मिला था कि TRE 3 परीक्षा में इनको बैठने का मौका मिलना चाहिए, और 10 वर्ष की छूट की जो मांग है उसको लेकर अभी बातें हो रही है कि TRE 1 में जो पिटिशनर हैं या जो अन्य कई लोग हैं, मन में सवाल है कि 1 से 4 नंबर वाले मेरा भी जो रिजल्ट है वो होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अब सामने आई है। अब दूसरी तरफ बात हो रही है कि TRE 3 में क्या होगा, रिजल्ट के प्रकाशन में देरी होगा क्योंकि देरी होगी या नहीं, क्योंकि जो आरक्षण के नियम के पालन का था बात, वो 65% आरक्षण के तहत जो है राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका को इसने बिहार सरकार के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें थी आरक्षण के नियम उसका उसने कहा है कि इस पर जो है हम अगली सुनवाई सितंबर महीने में करेंगे, और चीफ जस्टिस के बेंच में इस तरह के मामले चल रहे हैं, तो सारे चीज़ों जो है आरक्षण के नियम को जो जाति जनगणना हुई और आरक्षण के तहत जो भी चीज़ें सामने आई हैं, तो सब चीज़ों पर अब शिक्षक बहाली हो या BPSC द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं हैं या राज्य सरकार द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं जिसके रिजल्ट के प्रकाशन में देरी हो सकती है, अभी देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार क्या उस आरक्षण के नियम के तहत उस कोर्ट के आदेश के बाद आगे क्या करती है। अगर देरी होगी तो TRE 3 के परीक्षा जिसका रिजल्ट को लेकर भी इस तरह की चीज़ें आ रही है कि रिजल्ट पूरा तैयार होगा परंतु आरक्षण के नियम का पालन जो है वो 65% के अनुसार होगा, कोर्ट के आदेश के बाद होगा, बिहार सरकार का रुख किस तरफ रहता है, या पहले की तरह यथावत जो तरह की प्रक्रिया थी रिजल्ट को प्रकाशन को लेकर, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने आएगी। तो अब सामने सीधे सीधे अब कहने की बात है कि हम लोगों की तरफ से जितनी भी चीज़ें हो रही है TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और TRE 3 में, TRE 2 में भी आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर याचिका दायर है, उसको लेकर भी कई चीज़ें सामने आ रही है। तो अब जो सामने बात है वो है कि TRE 1 में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद BPSC और शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आवेदन नहीं हो रहा है, इसलिए इस मामले पर हम जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव है Siddharth उनके साथ मुलाकात करेंगे, और जो कोर्ट के आदेश है कोर्ट के आदेश के आलोक में ही बात होगी कि क्या अभी तक BPSC और शिक्षा विभाग उस पर किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि जो पद रिक्त है उसको शिक्षा विभाग बनाकर BPSC को भेजेगी, और BPSC की जो सूची है 1 to 5 में जो क्या केस की याचिका के दायर जो भी चीज़ें सीटें खाली रख दी गई है सब पर कहीं ना कहीं सीटों को भरने की कवायद होगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।